Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our test paper number 1, class 2. ये हमारी सेकेंड क्लास का फर्स्ट टेस्ट पेपर है जो हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं. उन चैप्टर के अंदर से एक्सरसाइज दी गई है कि बच्चों ने अब तक क्या सीखा है. फर्स्ट है हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन. करेक्ट ऑप्शन में सबसे पहले दे रखा है इन द पोइम द पोइट इज कॉलिंग गॉड लव एज, कि इस कविता के अंदर जो कवि है वो भगवान के प्यार को कैसा मानता है, वो मानता है वंडरफुल. व्हाट वॉज द मॉन्स्टर ईटिंग, मॉन्स्टर क्या खा रहा था, कैंडीज. सोहम हैड फॉलन डाउन व्हाइल ही वॉज, सोहम गिर गया जब वो कर रहा था, क्या कर रहा था, वो स्केटिंग कर रहा था. नेक्स्ट है इन द पोइम द कैट इज, इस कविता के अंदर जो कैट है वो कैसी है, वो है फैट. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्राइट वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बुक्स. यहाँ पे हेल्प बुक्स में आपको वर्ड दिए गए हैं. फर्स्ट है आपका गॉड लव इज सो हाई यू कांट गेट ओवर इट, कि भगवान का प्यार बहुत ऊंचा है तुम उससे ऊपर नहीं जा सकते. मैगी लिव्ड इन कैंडीलैंड, मैगी कहाँ रहती है, कैंडीलैंड में. तरुण वॉज फेमस फॉर हिज इन्वेंशन, तरुण किस चीज़ के लिए फेमस है, अपने इन्वेंशन आविष्कारों के लिए. व्हेन द कैट इज सेड टू डू एक्सरसाइज, जब भी बिल्ली को एक्सरसाइज के लिए बोला जाता वो क्या हो जाती, ही ऑलवेज डिस अप्रूव. नेक्स्ट है आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट है हाउ इज गॉड लव, भगवान का प्यार कैसा है, गॉड लव इज वंडरफुल. नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन द मॉन्स्टर एट अ श्योर कैंडी ही बिकेम सो स्मॉल, कि जब मॉन्स्टर था उसने कैंडी को खा लिया, खट्टी कैंडी को खाया, तो उसके साथ क्या हुआ, ही बिकेम सो स्मॉल, वो क्या हो गया, छोटा हो गया. What was the function that Dory could not perform? ऐसा कौन सा function था जिसको Dory perform नहीं कर सकता था, वो था high five. जैसे छोटे या बड़े एक दूसरे के हाथ को हाथ से टच करते हैं उसको बोलते हैं high five. What does Westers the cat do all day? Westers यहाँ cat का नाम है, तो यहाँ बताया पूछा गया है कि जो Westers बिल्ली है वो सारा दिन क्या करती थी. The cat eats all day. द कैट ईट्स ऑल डे, बिल्ली सारा दिन खाती रहती थी. नेक्स्ट है आपका राइट प्रॉपर नाउन, यहाँ पे आपको प्रॉपर नाउन बताना है. ये आपके कॉमन नाउन है कि जिस चीज़ का जब तक कोई नेम नहीं होता जो एक कंप्लीट जाति को शो करती है वो तो होता है कॉमन, और जब हम उसका एक स्पेसिफिक नेम रख देते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्रॉपर नाउन. तो यहाँ पे कंट्री दे रखी है, हमारे देश बहुत सारे होते हैं, मैंने इंडिया को लिखा क्योंकि मैं तो इंडिया की हूँ. आप यहाँ पे किसी भी देश का नाम लिख सकते हो. दूसरा है रिवर, नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, जिस भी नदी का आप नाम लिखना चाहते हो यहाँ पे आप रिटर्न कर सकते हो. मैंने लिखा यहाँ पे गंगा. बॉय, बॉय का नाम आप अपनी क्लास के किसी स्टूडेंट का लिखिए, किसी बॉय का लिखिए, आप अपने भाई का लिखिए, अपने फ्रेंड का, किसी का भी नेम यहाँ पे लड़के का रिटर्न कर सकते हो. फेस्टिवल, त्यौहार, हमारे बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, आप किसी भी फेस्टिवल का नेम लिखना वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा. फिर आता है बुक, बहुत सारी बुक्स होती हैं हमारी, रामायण, महाभारत, बहुत सारी, तो यहाँ पे मैंने लिखा रामायण. नेक्स्ट है आपका अंडरलाइन द प्रोनाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस के अंदर आपको प्रोनाउन बताने हैं. प्रोनाउन क्या होते हैं, वर्ड्स विच इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वे शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है प्रोनाउन. यहाँ फर्स्ट लाइन में ही इजिली लिफ्टेड द गर्ल, मैंने अंडरलाइन किया है ही और सी को, ही बॉयज़ के लिए यूज होता है और सी गर्ल्स के लिए यूज होता है. सेकंड में है हमारा वी, थर्ड में है दे, आई वी यू दे ही सी इट, ये हमारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं, सॉरी प्रोनाउन होते हैं. ही फर्स्ट, सेकंड में आपका आएगा वी, थर्ड में आएगा दे स्टडी इन द सेम क्लास, तो यहाँ पे जो दे है. फोर्थ में है आई वेंट टू द म्यूजियम ऑन संडे विद हिम, तो यहाँ पे आई. फिफ्थ में द टीचर गेव यू अ स्टार, सिक्स में आएगा आपका ही. नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉवल डू कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पे आपको कुछ स्पेलिंग्स छोड़ी हुई है जिनको आपको कंप्लीट करना है, जो ब्लैंक है उनको फिलअप करना है. पहली स्पेलिंग है पी ई ए सी ओ सी के पीकॉक, G O A T got, S P A R R O W sparrow, F O L I S H. यहाँ पे जो भी भर रखे हैं वो केवल वोवल होते हैं, और वोवल कौन कौन से हैं, A E I O U.
ये हमारे पांच वॉवल होते हैं, इन्हीं को मैंने भर रखा है, एल आई यू एन लोयन, डी डब्ल्यू आर डियर, आर ए डबल बी आई टी रैबिट, पी ए डबल आर ओ टी पैरट और एस एस डब्ल्यू पी सी। ये है आपका टेस्ट पेपर नंबर वन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा लीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।